वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम को मशवरा देते हुए कहा है कि अब भी कहता हूं कि लोग लॉन्ग मार्च के लिए ना निकले। पीडीएम वॉल्व, खुदा का वास्ता है, तारीखें दीनी छोड़ो, 18 अगस्त 2023 तक इमरान खान वजीर आजम है। कौमें सिर्फ सड़कों पिल्लों से नहीं बल्कि किरदार से बुनती हैं। हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने जायदादें बनाए, बैरून मुल्क खजाने बनाए। इस्लामाबाद में जलसे से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि पीडीएम का सिवाय अपनी चोरी बचाने के लिए और कोई मुतालिबा नहीं। पिछले जलसे में कहा था पीडीएम वालों को बहुत मार पड़ेगी, इज्जतदार इंसान के लिए सबसे बड़ी मार जिल्लत होती है। जरदारी साहब सुन लो, तहरीक इंसाफ अब के पीछे सिंध आ रही है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। इस्लामाबाद में 3 बड़े सरकारी अस्पताल बनने जा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। हमारी हुकूमत के पहले साल का बजट पिछली हुकूमत का बनाया हुआ था। हमारी हुकूमत के लाए गए बजट के 2.5 साल हुए हैं। हमारे हलके में 15 साल से कोई कॉलेज नहीं बना था, अब 4 कॉलेजेस बनने जा रहे हैं। सेहत के 4 बुनियादी सेहत के मराकज पर काम होने जा रहा है। साबिका हुक्मरानों ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। असद उमर ने कहा कि इमरान खान सोचते हैं दुनिया में महंगाई की लहर है जो पाकिस्तान पर भी असर अंदाज हो रही है। पीर को वजीर आजम आवाम से खिताब करेंगे। वजीर आजम सिर्फ पाकिस्तानी आवाम के लिए काम कर रहे हैं।